तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम आपको बड़ा दोस्त के एक नए रूप के बारे में आपको जानकारी देंगे। बड़ा दोस्त का ये पैसेंजर व्हीकल है जो कि आप जो है इसको पैसेंजर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम आगे से देखें दोस्तों तो ये गाड़ी जो है हमें बड़ा दोस्त की हमें याद दिलाएगी, क्योंकि इसके जो हेडलाइट वगैरह हैं, इंडिकेटर हैं, वो एज इट इज़ आपको बड़ा दोस्त की तरह ही यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग है, अशोक लेलैंड का लोगो है, काफ़ी बड़ी इसके अंदर आपको विंडशील्ड मिलती है और इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको दो वाइपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर हम सामने से देखें तो दोस्तों हमें गाड़ी जो है दोस्त की तरह ही दिखाई देती है। बड़ा दोस्त एक्सप्रेस इसका नाम है और काफ़ी बड़े इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर टायर वगैरह भी दिए गए हैं, जो कि 15 इंचेस के आपको इसके अंदर टायर मिलेंगे। कमानी पट्टे का सस्पेंशन है जिससे कि आपकी कंफर्टेबल राइड बनी रहती है। और पैसेंजर के हिसाब से अंदर हम चलेंगे बाद में, पहले इसका जो आगे का स्पेस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ड्राइवर के साथ साथ यहाँ पर दो लोगों के बैठने की व्यवस्था आपको केबिन के एरिया के अंदर मिल जाती है। टोटल इसके अंदर आपको 15 लोगों की बैठने की व्यवस्था मिलेगी, 12 लोग पीछे की साइड में और ड्राइवर के पास में दो लोग, यानी कि 15 लोग यहाँ पर आसानी से बैठ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम वगैरह दिया जाएगा। एयर कंडीशन मिलेगा, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आएगी। बड़ा दोस्त एक्सप्रेस पैसेंजर व्हीकल जिसके अंदर आपको यहाँ पर एयर कंडीशन के साथ साथ आपको कंफर्ट भी देखने के लिए मिलता है। दो दो सनवाइज़र हैं, लाइट है, ग्रैब हैंडल हैं गाड़ी के अंदर एंट्री लेने के लिए, उतरने के लिए, और डोर के ऊपर भी यहाँ पर आपको जो है पानी की बाटल रखने के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस प्रोवाइड किया गया है। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर हैं दोनों ही डोर के ऊपर, ट्रिमिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है और वॉक थ्रू स्पेस मिलता है आपको गाड़ी के अंदर। इस साइड से उस साइड में आप जो है आसानी से निकल सकते हैं। अगर मैं पीछे का एरिया आपको दिखाऊं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि लो फ्लोर आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, यानी कि आप जो है यहाँ पर आसानी से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको पूरा स्पेस मिल जाता है बैठने के हिसाब से। अंदर थोड़ा अंधेरा हो सकता है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखा पा रहा हूँ। पीछे की साइड में आपको 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है और 2x1 की सीटिंग आपको जो है यहाँ पर और देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों इस गाड़ी के अंदर 15 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो जाएगी ड्राइवर के साथ साथ। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है और आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ ये गाड़ी जो है आपके जो बिज़नेस है परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने का काम करेगी। और ये था गाड़ी का अंदर का व्यू और डोर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, स्टाइलिश है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर एल जो है काफ़ी अच्छा खूबसूरत यहाँ पर दिया गया है और सीएनजी ये बस है, तो सीएनजी बस है जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनका भी भार यहाँ पर नहीं आने वाला है। पीछे की साइड में आप देखेंगे बड़ा दोस्त एक्सप्रेस की ब्रांडिंग है देखने के लिए और यहाँ पर इसके अंदर पीछे से भी गाड़ी हमें काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। पीछे आपको काफ़ी बड़े बड़े और खूबसूरत इसके अंदर जो है टेल लैंप वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैं ड्राइवर साइड का एरिया आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। वॉक थ्रू स्पेस है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग प्रोवाइड किया है। ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल है। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।